Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये है मुंबई की जानी मानी जगह जुहू चौपाटी। आज सब यहाँ नए साल की खुशियाँ मना रहे हैं। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तो हमने आज तक कभी एक साथ नहीं देखे। ये भी पार्टी है क्या? हाँ, असली पार्टी तो शाम को होगी वानखेड़े स्टेडियम में। मुझे तो अब भी बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा, तो आओ मेरे साथ। तुम लोग यही रुको, मैं और किसना बर्गर लेकर आते हैं। ये बंदर लेकर क्यों आ रहा है? बल्लू, बंदर नहीं, बर्गर। जरूर कोई खाने की चीज होगी। कितनी सुंदर दुकानें हैं। चलो जाके देखते हैं। वो देखो चंपू भोंदू। चंपू भोंदू यहाँ नहीं है सुद्दी, अब चुप रहो। वाह, इनसे चित्र बनाने में कितना मजा आएगा। ए, पहले खरीदो बाद में इस्तेमाल करो। तुमने मेरा पैर खराब कर दिया लड़की। ये लो राधिका, मेरी तरफ से नए साल का तोहफा। धन्यवाद सैंडी। और बल्लू भैया, ये लो बर्गर। स्वादिष्ट। वाह चंपू, क्या चीजें हैं। चंपू भोंदू, नहीं नहीं, मैं इस बार किसी से नहीं कहूंगा। कोई मानने वाला तो है नहीं। ये कहाँ गए? शायद वो मेरे दिमाग में ही हैं, सच में नहीं। अब हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। चंपू भोंदू, नहीं नहीं नहीं, समय यात्रा से मेरा दिमाग हिल गया है। चंपू भोंदू, मैं सच कह रहा था ना। ये यहाँ कैसे आए? लगता है हमारे साथ यंत्र में छुप कर आ गए। यानी अब इन्हें भी साथ रखना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोकल ट्रेन से चलेंगे, जिससे तुम मुंबई जल्दी घूम पाओ। इतनी भीड़, हमारी ट्रेन आने वाली है, सब हाथ पकड़े रहो, ठीक है? अरे किसना, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। पर कैसे? हमें तो उस जगह का नाम भी नहीं पता जहाँ से हमने सफर शुरू किया था। वहाँ का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन पार्टी वाली जगह का नाम तो सैंडी ने बताया था ना, वानखेड़े स्टेडियम। हाँ, हम वहाँ जाएंगे, वो लोग हमें वही मिलेंगे। हाँ, चाचा, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम
वो स्ट्रेट जाने का, आगे सिग्नल से लेफ्ट मारने का, उधर ब्रिज के बाजू से राइट मार के तीसरा नहीं चौथा लेफ्ट मारने का। तुमसे नहीं, मैं भिंडी लेकर आ रहा हूँ। वानखेड़े स्टेडियम जाने के लिए इतने लोगों को मारना पड़ेगा? आओ सुधी, वो गाड़ी हमें वहाँ ले जाएगी। सुद्धी और किसना के गुम हो जाने पर हमें चंपू और बोंदू को इन टिकटों पर अंदर ले जाना पड़ेगा। किसना पता नहीं इस मैदान के अंदर कैसे आएगा। वो स्टेडियम ही आएंगे, ये पक्का पता है तुम्हें राधिका। किसना को इस जगह का नाम पता है, वो जरूर यहाँ आएगा। टिकट? बिना टिकट तुम अंदर कैसे जा सकता है? लेकिन हमारे दोस्त अंदर हैं। तो जाओ ना, तुम भी टिकट ले लो, बस 250 रुपए के हैं। अब हटो यहाँ से, चलो जाओ। हमारे पास पैसे तो हैं नहीं, जो थे वो यहाँ तक आने में खर्च हो गए। अब क्या करें? कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। हाँ, मिल गया पैसे कमाने का तरीका। आइए आइए आइए, नए साल में देखिए किसना का करिश्मा, ऐसे करतब जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। आइए 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 आइए। आज भी खाने भर का पैसा नहीं जुटा पाए। लो ये लो, हमारी तरफ से नए साल का तोहफा। नहीं, वो यहाँ आया भी है या नहीं। अब हमें अंदर जाने के लिए पुराना तरीका अपनाना होगा। आओ, जाएं तो सब लोग हमें देख पाएंगे। धन्यवाद, आपने हमें बचाया। मैंने तुम्हारा कर्तव्य देखा और ये भी देखा कि तुमने अपना पैसा उस बच्चे को दे दिया। बहुत खूब। हमें अपने दोस्तों को ढूंढना है, वो यहीं कहीं हैं। मगर इतनी भीड़ में तुम उन्हें कैसे ढूंढोगे? अगर किसी तरह हम मंच पर पहुंच जाएं, तो वो हमें देखकर वहीं आ जाएंगे। मैं तुम्हें मंच तक पहुंचा सकता हूं।
सच? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे साथ नाचना होगा या कुछ बजाना होगा। तुम्हें कुछ बजाना आता है? आओ मेरे साथ। क्या बांसुरी बजा सकता हूँ? तो इसे क्यों नहीं? गुड, तो हो जाओ तैयार। लेट्स रॉक द पार्टी। पता नहीं किस्सा कब आएगा, क्यों ना तब तक कुछ खा ले। तुम्हारे सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है। हम यहाँ नहीं रुक सकते। मैं तो तुम्हें फोन और चैट भी नहीं कर सकता। विज्ञान जहाँ काम नहीं करता वहाँ दिल काम करता है। बाय दोस्तों। बाय। हे, सब्सक्राइब टू वाओ किड्स टुडे।